हेलो व्यूअर्स, ये देखिए मेथी मैंने काट के धो ली है और ये प्याज कट गया है। प्याज, अदरक और हरी मिर्च, दो हरी मिर्च, ठीक है। और ये जो है बस अब इसमें आटा डाल के और नमक मिर्च नहीं डालूंगी, नमक डालूंगी और जीरा अजवाइन डाल के इसको गूंध लेंगे, ठीक है। तो डालते हैं आटा इसके अंदर। पता नहीं कई बार, हाँ ये देखिए व्यूअर, दो परांठियों पे घी लग गया है, तीसरी पे लगा तो दिया मैंने। ये देखो पलट देते हैं, इसका तीन मग नहीं है। मेथी की परांठियाँ बनती रहती हैं थोड़े थोड़े दिन के बाद, क्योंकि सर्दियों में मेथी खानी अच्छी बात है, हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, ठीक है। इधर आटा गूंधा हुआ है और ये मेरी एक परांठी पड़ी है। सबसे पहले मैं देने जा रही हूँ इसको स्वाति को देने जा रही हूँ। ये देखिए दही जो है इसको मैंने वो बना लिया है, रायता बना लिया है इसका, मिक्सी में करके बूंदी का रहता दारा तैयार है। इधर कनिका रेडी है अपने काम करने में, लगी पड़ी है, थोड़ा ही रह गया कनिका तेरा, तो तू कर ही रहेगी लगता है। कनिका ने इतने सारे पत्ते सारे कनिका ने निकाले हैं, अब थोड़े से रह गए हैं। और ये गर्म पानी लगाई है गर्म होने के लिए, इसके बाद नाने घुसेगी। तो मैं कह रही पहले रोटी खा ले, वो ज़्यादा अच्छा है, रोटी बना के रख दूँगी तो इतनी टेस्टी नहीं लगती, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी रोटी बना लेते हैं सारी। मैं साथी को दिया हूँ पहले, फटाफट पानी गर्म कर रही हूँ, स्लो कर देती हूँ गैस, ठीक है। ज़्यादा गर्म नहीं करना, बहुत हल्का से ही करना है। आटा गूंदने लगी हूँ रात के लिए, अभी का जो मैंने मेथी वाला आटा बनाया था ना वो सारा ही खत्म हो गया। उल्टा मेरे को दो रोटी मिली, मेरे को एक नॉर्मल रोटी खानी पड़ी, सिंपल वाली रोटी। अब मैं रात के लिए भी आटा गूंद रही हूँ, इसमें मैंने आटे में ना ज्वार का आटा भी मिलाया है थोड़ा सा, ठीक है। और मैं सोचा हल्के गर्म पानी से आटा गूंद लेती हूँ। और ये देखिए रात वाला सूप जो मैंने भर के बनाया था, इतना सा बचा, और इसकी भी बड़ी दर्द भरी कहानी है जो बाद में सुनाती हूँ आपको, ठीक है। हुआ क्या था सूप बनने के बाद, क्या तमाशा होगा वो बाद में बताती हूँ, ठीक है। रह गया थोड़ा सा, इसको मैं छोटे बर्तन में अभी निकालने वाली हूँ इस, और इसको धोने के लिए डालने वाली हूँ, ठीक है। इसलिए इसको निकाल के रख लिया है और मैं अब लगी हूँ आटा गूंदने। पहले मैं गूंद लेती हूँ आटा, फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने ना पालक काटना शुरू कर दिया, ये देखिए इतनी तो काट भी ली है। ये काटना इसे आज मैं इस तरीके से ही काट रही हूँ, ऐसे ऐसे करके। ये हस्बैंड मेरे ऐसे काटते, मैं अभी काट के देखती हूँ तो अच्छा लग रहा है काट के। मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई फ़ोन की, मैं आपको चार्ज पे लगा के आती हूँ, 3% रह गई सारी। तो बस पहले मैं साग काट ये काट लेती हूँ पालक, फिर रह गया सरसों काटनी, ठीक है। हस्बैंड बैठे हैं अपना मोबाइल लेकर और कनिका गई है नहाने, स्वाति पर कर रही है कॉलेज की पढ़ाई। तो चलो पहले मैं इसको चार्ज पे लगा के आती हूँ। फिर आ गई हूँ एक बार की जब मैं बीच में घंटे डेढ़ का आराम करके 6 से 7:30 अभी ना 8 बज गए हैं, मैं किचन में हूँ। ये देखिए साग मैंने पूरा इस बार खुद काटा है, ठीक है। और ये मेरे मखाने हैं, ये मेरा जो है वो ओट, इधर मैं अपना दूध गर्म कर रही हूँ, ठीक है। और दूध गर्म करने के बाद साग धोऊंगी, साग बड़े वाले कुकर में डाल के उबाल दूंगी, ठीक है। साग को 2-3 पानी धोना है बस, मैं दूध पी लूँ उसके बाद करती हूँ काम ये वाला। और उसके पापा जो है ना वो कर रहे हैं, ये देखिए ये जो है ना 4 शेयर कर रहे हैं बच्चों के लिए चिप्स के, कह रहे 4 शेयर कर ले। मैं कहा जरूरत नहीं है, कह रहे बच्चों को भूख लग रही, तो भूख ही लगी रहती सारा दिन। अभी थोड़ी देर पहले स्वाति ने क्या करा, वो जो बचा हुआ था ना इसमें गुड़ डाल चुकी हूँ मैं, वो सूप बचा था वो गर्म करके पी लिया। उसके बाद उसने अपनी चाय बनाई, कनिका स्वाति दोनों ने चाय पी, साथ में डबल ब्रेड का सैंडविच खाया चीज़ लगा के, मतलब ब्रेड को सेका उसमें चीज़ लगा के सैंडविच खाया, दोनों ने चाय पी ली, सूप पी लिया। अब उसके बाद ये चिप्स खा रहे हैं, उनको जब देखो भूख ही लगी रहती, पता नहीं क्या दिक्कत है। मेरे को कई बार नहीं लगती है, मैं तो सुबह से शाम तक मतलब ना भी खाऊं चल जाता है मेरा, उनको जब देखो भूख ही लगी रहती है। अके पापा को भी बड़ी भूख लगती है। अब वो चिप्स के 4 शेयर कर रहे हैं, मैं अपना दूध गर्म करके ले रही हूँ और इसमें भी डालने लगी हूँ मैं 2 चम्मच ओट और 8 या 10 वो क्या कहते हैं मखाने, ये डाल के मैं दूध पीऊँगी, फिर मैं काम पर लग जाऊँगी। स्वाति कनिका आई, अपनी कॉफ़ी बना के ले गई, साथ में चने ले गई, कह रही अभी वो मेरे 2-3 घंटे निकल जाएंगे। मैं कहा ठीक है, मेरा भी खाना बन जाएगा तब तक आराम से। और मैं खा रही हूँ चिप्स, दूध पी लिया, वो बैठे किचन में था ना वो मतलब एक साइड में लगी हुई थी, तो फिर मैंने कहा चल तब तक मैं अपने चिप्स ही खा लेती हूँ, अब इसके बाद मैं साग दूँगी। तो कल की दर्द जो है वो बात बता रही थी, कल हुआ क्या था बताती हूँ, कल हुआ क्या था। तो मैंने बनाया था बड़े प्यार से ये मिक्स वाला वेज सूप, कितनी मेहनत लगती है काटने में उसमें। तो क्या हुआ जब बन गया पूरा तो
सबको दिया, तो उसमें ना थोड़ा स्पाइसी था, थोड़ी मिर्ची मेरे इनके हिसाब से तेज हो गई, मेरे हिसाब से ठीक थी। और इस चक्कर ज़रा से घर में मिर्ची तेज हो सबको गुस्सा चढ़ जाता है। तो ये इसके पापा और ये कनिका लग इन्होंने लगाई मेरी वाट कि आपने मिर्ची ज़्यादा डाल दी है, वो जानबूझ के डाली। मैं कहा जान के नहीं डाली मैं, अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, बट तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा है। फिर उसको क्या करा कि खाएँ कैसे अब इन दोनों, इन तीनों को खाएँ कैसे। ये स्वाति ने तो क्या करा उसमें टमाटो सॉस डाल के मीठा कर लिया और उसको खा लिया, ठीक है पी लिया, हमारा सूप तो पीते हैं ना। और कनिका ने क्या किया उसने, मैंने इनको आइडिया दिया कि इसको अगर थोड़ी सी मिर्ची कम करनी है तो इसमें दही ऐड कर लेते हैं। तो फिर इन्होंने दही ऐड कर लिया, दही से फिर वो थोड़ा ठीक हो गया। तो इन्होंने इसको मतलब पी लिया, सब ने दो दो बाउल लिए थे, और उसके बाद भी थोड़ा सा बच गया था जो आज स्वाति ने मतलब खाया पिया, खाया नहीं। तो हुआ क्या कि कल इनको इन्होंने मेरी लगाई वाट, तो मुझे आ गया गुस्सा। मैं घर मैंने बोला कि मैं कहती मम्मी को भी किचन का काम ठीक से नहीं करती, तो मेरे को गुस्सा है। मैं कहा ऐसा है कल किचन तू ही संभाल ले, कल का दिन पूरा कर सुबह दोपहर शाम का, और बर्तनों का ढेर भी दो, तब पता लगेगा। तो हुआ क्या कि मैंने सवेरे कनिका को बोला कि बेटा आज तू साग भी बना और तू मेथी के परांठे भी बना, ठीक है। तो उसने क्या करा, मेथी कटवाने में तो मेरी हेल्प करवा दी कि मेथी को वो पत्ते अलग करने में, पर वो है कि परांठे भी रोटी मैंने ही बनाई, मेथी की परांठे या रोटी जो भी है, और अब साग भी काटा है मैंने पूरा, अब साग भी मैंने ही बनाना है। वो अपने 10 काम और गिना देती है कि मेरे को पढ़ाई का ये करना है, ये करना है, करना है, ये करना है। तो फिर यही चक्कर है कि मतलब हाँ, तो कल मैंने क्या करा, फिर मैंने ना कल सारा दिन में जो वीडियो बना ली थी कल, उसको मैंने रात को एडिट नहीं किया, मेरा मूड ही खराब हो गया, मैंने एडिट नहीं करा। तो मैंने क्या करा, आराम से मूवी देखी माधुरी दीक्षित की, और उसमें हीरो तो कोई नया सा था, पता नहीं कौन सा था, मेरे को उसकी शक्ल नाम नहीं मिला याद पता, और अच्छी पिक्चर थी, कबीर बेदी था उसमें, वो पिक्चर मैंने देखी पूरी, अच्छी लगी। तो वही आता है ना कहीं कभी मैं चेंज कर लेती हूँ, वैसे तो ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ वो वीडियोस ही लोगों की देखती हूँ जिनको मैंने सब्सक्राइब किया है, पर कभी कभी मन करे तो मैं मूवी भी देख लेती हूँ। तो कल मैंने देखी मूवी, और फिर सुबह से उठ के फिर लग रहे हैं वही काम, किचन का पूरा दिन का काम कौन संभालेगा बताओ, कितना काम हो जाता है किचन में भी, है ना। और बच्चे वो कहे स्वाति के पेपर हैं, उनको अपनी टेंशन हो रही है कि पेपर आ गए सिर पे, और पढ़ाई करनी है बहुत ज़्यादा, सिलेबस है बहुत ज़्यादा, तो उसको अपनी टेंशन है, इसलिए उसको तो हम कुछ कहते नहीं, ठीक है। और हाँ, वैसे पढ़ाई वाले बच्चों को थोड़ा थोड़ी देर भूख तो लगती रहती है, बात तो सही है। मांग रही है मूँगफली, इतना कुछ खाने के बाद उसे फिर मूँगफली करके चाहिए, मैं मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे साग धो के फिर तड़का भी लगाना है साग को, फिर रोटी भी बनानी है, तो मेरा मन नहीं। मैं कहा चने खा ले, पर वो चने मान नहीं रही। चलो मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, काफ़ी लंबी बात हो गई है।